Yes, good morning students. In this video we are going to talk about telescope. Telescopes are broadly classified into two types. One is refracting type telescope, in which lenses are used, and other is reflecting type telescopes, in which mirrors are used. The refracting type telescope, they are further of two types. One is astronomical telescope and other is terrestrial telescope. Astronomical telescope is used to view the heavenly bodies, the sun, the stars, the planets, and in this case image formed is inverted image. But as we are seeing the heavenly bodies which are round in shape, तो इन्वर्टेड इमेज से हमें कोई डिफरेंस जो है वो फील यहाँ पे नहीं होता. जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है उसमें अर्थ की ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. इन दिस केस वन एडिशनल लेंस इज यूज्ड टू हम इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट कर देते हैं और इसमें अर्थ की ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं और जो इमेज है हमारी वो इरेक्ट इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है. जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं उसमें मिरर यूज होते हैं. ये भी फर्दर दो टाइप्स के हमारे पास है. एक न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप है, न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप है. दूसरा हमारा कैसेग्रेन टाइप. कैसेग्रेन टाइप, इनकी फॉर्मेशन में मिरर्स में डिफरेंस है. ये चारों तरह के जो टेलीस्कोप है वो हमने डिस्कस कर रहे हैं. जो डिटेल में हमने डिस्कस करना है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एंड इन दिस वी विल डिस्कस फर्दर टू केसेस. वन इज व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट least distance or distinct region, image at least distance or distinct region, and in second case when image is formed at infinity. When final image is formed at infinity, the eye is in most relaxed state. अगर हम किसी भी object को least distance पे देखते हैं तो eye पे कुछ ना कुछ strain feel होता है. अगर हम infinity वाले objects को देखते हैं तो आई जो है वो मोस्ट रिलैक्स स्टेट में होती है. तो ये जो हमारा केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट. इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट हम कहते हैं. तो नाउ वी विल डिस्कस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. फर्स्ट केस, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. इन द माइक्रोस्कोप वी हैव स्टडीड दैट कि देयर वर टू लेंस, द हमारे पास ऑब्जेक्टिव और आईपीस. जो ऑब्जेक्टिव लेंस है माइक्रोस्कोप के केस में वो छोटा होता है और जो आईपीस है वो लार्ज अपर्चर होता है. लेकिन टेलीस्कोप में रिवर्स होता है. टेलीस्कोप में हमारे पास जो फर्स्ट लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, एंड आईपीस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर. जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हम बड़ा क्यों लेते हैं, लार्ज अपर्चर क्यों लेते हैं? बिकॉज द फर्स्ट लेंस हैज टू गैदर द लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी. इसने इन्फिनिटी की सन से स्टार से लाइट गैदर करनी है. तो अपर्चर ज्यादा होगा तो प्रॉपर लाइट रेज इसमें एंटर होगी और हमारी जो ब्राइट इमेज है वो फॉर्म होगी. और सेकेंड लेंस इसलिए छोटा होता है ताकि जो सारी रेज है वो कलेक्ट होके आई के प्यूपिल के अंदर एंटर कर सके. इसलिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर का होता है, जो आई पीस है वो स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर का होता है. अब हम लोगों ने इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को व्यू करना है तो इन्फिनिटी से हमारे पास पैरल रेज आएंगे. पैरल रेज में कम पैरल रेज इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से आ रही है. जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है दैट गोज अनडिलेटेड, वो बिना मैग्नेटिक हुए स्ट्रेट ही पास हो जाती है. और एक दूसरी पैरल रे हम लेते हैं, ये पैरल रेज, ये रे हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी. पैरल रेज कहाँ पे मीट करती है? फोकस पे. जो पैरल रेज होती है ऑलवेज वो कहाँ पे मीट करती है? फोकस पे. तो इन्फिनिटी से पैरल रेज आई और ये ऑब्जेक्टिव के फोकस पे हमारी मीट कर रही है. अब अगर हमें जो इमेज है वो डी डिस्टेंस पे फॉर्म करनी है तो हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे कि ये जो इमेज है वो विद इन फोकस ऑफ आईपीस है. क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ है तो हमारे पास जो इमेज है वो सेम साइड पे फॉर्म होती है. सेम साइड पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे हमने जो इमेज है वो फॉर्म करनी है. अब देखो
यहां से जो लाइट रेज जाएंगी, इसको थोड़ा हमने एक्सटेंड कर दिया, जो पैरेलल रे है वो फोकस में से पास होगी इसके आई पीस के फोकस में से, और जो जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है वो एसेंस बिना मेल्टिंग पास होगी। ये जो रेज है वो डाइवर्जिंग रेज होगी एंड दे अपीयर टू मीट एट बैक, उसको हम डैश पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, और जहां पे ये रेज मीट करेगी वहां पे हमारी फाइनल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, द रे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड एंड द अदर रे बेंड्स एंड मीट एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पैरेलल रेज हमेशा कहां पे मीट करती है, फोकस पे। द इमेज ऑफ द लेंस, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, इट एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, और इससे जो रेज जाएंगी हम इसको इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे कि इट शुड बी विद इन द फोकस ऑफ आईपीस, तो सेम साइड पे हमारी फाइनल इमेज जो है वो फॉर्म होगी। नाउ वी विल डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जो है दैट इज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज डिनोटेड बाय एम, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। इमेज हमारी कहां पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट का हमें पड़ा है इंफिनिटी। जो माइक्रोस्कोप के सारे केसेस है वहां पे हमने ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे रखा था, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हम उसको डी डिस्टेंस पे रख के एंगल को मेजर कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक केस में इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं से हमने उसको मेजर करना है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे, और हमारा इमेज जो है वो हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फॉर्म किया। अब आप देखो ये हमारा फाइनल इमेज है और फाइनल इमेज ये एंगल बना रही है बीटा, इमेज के एंगल को हम हमेशा बीटा से डिनोट करते हैं। नाउ ये इमेज से रेज आ रही है, ये इमेज कितना एंगल फॉर्म कर रही है, यहाँ पे अल्फा एंगल जो है वो फॉर्म कर रही है। अब ये वाला एंगल इस लेंस पे फॉर्म हो रहा है सी ऑब्जेक्टिव पे, ये हमारा आई पीस पे फॉर्म हो रहा है, बट क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पे है, तो चाहे इमेज ये एंगल यहाँ पे बने चाहे इस लेंस पे बने उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, बिकॉज हम इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, तो जितना एंगल इस लेंस पे सबटेंड होएगा अप्रोक्सीमेटली उतना ही एंगल आई पीस पे सबटेंड होएगा, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अब आप देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे स्ट्रेट गई, तो दीज आर टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास अल्फा हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम टेलीस्कोप डिस्कस कर रहे हैं तो हम इस ट्रायंगल में से हम अल्फा टैन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस ट्रायंगल में से हम टैन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो साइड है ये हमारी कॉमन होके कैंसिल होगी, टेलीस्कोप के दोनों ही केसेस में टैन अल्फा वी विल फाइंड फ्रॉम दिस ट्रायंगल एंड टैन बीटा वी विल फाइंड फ्रॉम दिस ट्रायंगल। नाउ सी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज पैरेलल रेज इमेज पे बन रही है फोकस पे, तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया फोकल लेंथ के इक्वल। इसको हम कुछ भी सिंबल लिख सकते हैं, यू ई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम ले सकते हैं, यू ई इसको हम कुछ भी ले लो, आप ए बी पॉइंट रख लेते हैं, ए बी पॉइंट इसको हमने रख लिया, या एच वैल्यू भी आप ले सकते हैं, इस हमने इस इमेज को एच जो सिंबल है वो अलॉट कर दिया। फाइन, नाउ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज रेशियो ऑफ टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा, ये रेशियो हमारे पास है, तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल टैन बीटा किसके इक्वल आएगा, एच अपॉन यू ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, एच अपॉन यू ई। सिमिलरली फ्रॉम दिस ट्राइंगल टैन अल्फा किसके इक्वल आएगा, एच अपॉन एफ ओ, ये किसकी फोकस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, ये हमारे पास आएगा एच अपॉन एफ ओ, दिस एच विल कैंसिल आउट, मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ गई
हमारे लिए फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है कि जो मिड वाली इमेज बनी कहाँ बनी, तो हमने यू थी को एलिमिनेट करना है और हमने उसको आई पीस की फोकल लेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी यूज लेंस फॉर्मूला। हम आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। जस्ट सी हाउ लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय 1/f, 1/v माइनस 1/u। अब इस लेंस की फोकल लेंथ अगर हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करें, लेट इट बी एफ टी, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज पॉजिटिव। और v की वैल्यू हमारी इमेज किस तरह फॉर्म हो रही है, इस साइड फॉर्म हो रही है। और कितने डिस्टेंस में फॉर्म की है हमने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमने इमेज फॉर्म की है। तो v की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस d। नेगेटिव साइड क्यों आया, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि इमेज हमारी लेफ्ट साइड है, लाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज हमारी फॉर्म हुई है। और u की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस u v। ऑब्जेक्ट भी कहाँ पड़ा है, लेफ्ट पे पड़ा है और उसको हमने डिस्टेंस की वैल्यू क्या सपोज की है, u e। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज हमने पुट कर दी है, जस्ट सी व्हाट वी विल गेट। इट्स 1/FT माइनस 1/D, ये हमारे पास माइनस यू ई। जस्ट सी हमें यहाँ पे 1/UE की वैल्यू चाहिए, वी नीड एफ तो है ही है, 1/UE की वैल्यू चाहिए। मीन्स हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि 1/UE को एक साइड पर रख लेते हैं, इस टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस स्टेप के बाद देखो हमारे पास क्या स्टेप आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 1/UE, इसको इधर लेके गए 1/FT प्लस 1/D। फाइन, इसमें से FE कॉमन ले लेते हैं, इसको हमने सपोज FE से मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज इसको आप एसेज भी रख सकते हो। सपोज चलो इसको मैं एसेज पुट कर लेते हैं, ये 1/UE की वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम अपने पुट कर देते हैं, एफ ओ तो है ही है, 1/UE की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी आई एम राइटिंग इट हियर, मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन आ गया एफ ओ और यू ई को हमने पुट कर दिया 1/FE प्लस 1/D। फाइन, अब यहां से एफ ई अगर हम कॉमन ले दोनों में से, अब यहां पे तो एफ ई है नहीं, इसका मतलब पहले इसको एफ ई से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ई से डिवाइड कर दिया। तो एफ ई जब कॉमन लेंगे एफ ओ बाय एफ ई, ये तो 1 बच गया, 1 प्लस ये वाला एफ ई तो कॉमन चला गया, एफ ई डी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर वेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियरली मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा, और आई पीस की फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा। और हमने लेंस ऐसे ही सिलेक्ट किए हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड हैव लार्ज फोकल लेंथ एंड आई पीस शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ। सो इन दिस वे फाइनल इमेज इज फॉर्म एंड दिस इज अवर एक्सप्रेशन when the image is formed at least distance of distinct vision. Yes, now we are going to discuss the next case for astronomical telescope when final image is formed at infinity. Again, we are considering here an objective lens having large focal length, large aperture, and eyepiece having small focal length and small aperture. The rays from infinity will come, parallel rays, the ray to the optical center goes undeviated, while the other way it reflects and image is formed at the focus of the objective lens. Now, we have to form the final image at infinity, and final image will form at infinity only when this point is the focus of a eyepiece also. So this point is focus of eyepiece. Now this image formed by first lens
act as object for the second lens, and it is placed at the focus. And we know that when object is placed at focus, final image is formed at infinity. Now the parallel ray, it will pass through the focus of the eyepiece, and the ray through the optical sensor goes undeviated. These are two parallel rays, and the final image is formed at infinity. Image is at infinity, and object is also at infinity. So this is our diagram in this case. Now we have to define the magnifying power, which is the ratio of angle subtended by image. Now image का अपने बन रही है हमारी infinity. Image is at infinity. To the angle subtended by object, and object is also at infinity. As I have told you earlier, telescope के case में object का mirror हमेशा कहाँ कहाँ रहेगा? Infinity पे रहेगा. Now ये object से rays आ रही है, so this angle is alpha. और ये इमेज से रेज आ रही है, दिस एंगल इज बीटा. और टेलीस्कोप के केस में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्रैमिंग भी साथ ही चलती है, तो कि दीज आर टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. ये एंगल हमारा अल्फा हो गया. ऑलवेज हम इस ट्राइंगल से टैन अल्फा फाइंड आउट करेंगे, और इस ट्राइंगल से हम टैन बीटा फाइंड आउट करेंगे. ये हमारी इमेज बन रही है ए बी, जिसको हम एच ले सकते हैं. कोई भी एच हाइट हमने इसको अलॉट कर दी. नाउ द मैग्नीफाइंग पावर विल बी द रेशियो टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैन बीटा हियर? इट्स एच अपॉन दिस डिस्टेंस. नाउ दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एंड दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो ये हमारे पास आएगी रेशियो एच अपॉन एफ ई, एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल टैन अल्फा इज एच अपॉन एफ ओ. इट्स एच अपॉन एफ ओ. एच विल कैंसिल आउट, एंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर कम्स आउट टू बी एफ ओ बाय एफ ई. वी यूजली पुट हियर नेगेटिव साइन बिकॉज फाइनल इमेज विल बी इनवर्टेड. So this is the final expression for magnifying power. It is the ratio f o by f. So this is about the astronomical telescope. Working of terrestrial telescope is not as rigorous, but you should know in terrestrial telescope the image formed is erect one, and one additional lens is used ताकि हम inverted image को वहाँ पे erect कर सकें. Now we will discuss about reflecting type telescope. As I have told you earlier, जो reflecting type telescopes हैं, उसमें mirrors use होते हैं. और reflecting telescope के काफी advantages हैं over reflecting type telescope. Now see, listen, what are the advantages? जो हमारे पास reflecting type telescope होते हैं, इसमें errors होते हैं. इसको बोलते हैं chromatic aberration. The word used is chromatic aberration. एबर्शन का मतलब होता है एरर इन इमेज. एरर इन इमेज क्रोमैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू कलर. कलर जब हम प्रोफेशनल जो टेलीस्कोप्स हैं, जो ऑब्जर्वेटरीज में यूज होते हैं, जिससे एक्चुअली में स्टार्स को देखा जाता है, उसमें लेंस दे आर क्वाइट बिग इन साइज एंड थिक ऑल्सो. तो जो जब लेंस थिक होता है, वाइट लाइट इसमें से पास होती है, इट स्प्लिट्स इनटू सेवन लाइन्स. तो जो हमारा फोकस होता है वो एक पॉइंट में बनके एक स्पॉट बन जाता है, क्योंकि लेंस थिक है, बड़ा लेंस है, थिक है. तो वाइट लाइट थिन लेंस में तो भी स्प्लिटिंग होती है, ऐसा नहीं कि उसमें स्प्लिटिंग नहीं होती, लेकिन सेवन कलर्स ओवरलैप कर जाते हैं फिर से, और पता ही नहीं चलता कि स्प्लिटिंग हुई है. लेकिन अगर लेंस थिक है, डिस्पर्शन हुई, स्प्लिटिंग हुई, तो फोकस एक पॉइंट में होकर एक स्पॉट बन जाएगा. अगर फोकस एक स्पॉट बनेगा, मींस इमेज हमारी क्लियर नहीं बनेगी, ब्लर्ड बनेगी. इस चीज को बोलते हैं क्रोमैटिक एबर्शन. तो अगर हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबर्शन. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अगर हम लोग
मिरर्स यूज कर लेते हैं, तो मिरर्स में तो डिस्पर्शन हो ही नहीं, तो दे आर फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबर्शन. सेकेंड थिंग इज मिरर्स में या लेंस में, अगर लेंस बड़ा है या मिरर बड़ा है, जो सारी रेज है, जो रेज एक्सिस के क्लोज है, एक्सिस के क्लोज, इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज, और जो रे एज के क्लोज है, इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, दे आर मार्जिनल रेज. अगर लेंस का या मिरर का टेंपरेचर ज्यादा है, तो ये पैरा एक्सियल रेज और मार्जिनल रेज एक पॉइंट में, एक स्पॉट में मीट करती है, एक स्पॉट पे, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल एबर्शन. That is called spherical abortion. Abortion मैंने आप कभी आपको बताया एरर इन इमेज. अगर जो एपर्चर ज्यादा होने की वजह से एरर है, उसको बोलते हैं spherical abortion. अगर हम spherical mirrors की जगह parabolic mirror यूज कर लेते हैं, parabolic जिसकी parabola की शेप होगी लाइक दिस, sphere spherical शेप नहीं होगी, parabolic. तो जो parabolic mirrors होते हैं, they are free from spherical abortion also. उसमें ना तो स्फेरिकल एबर्शन है, ना हमारी क्रोमैटिक एबर्शन है. तो रिफ्लेक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप्स हैं, उसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ना तो उसमें क्रोमैटिक एबर्शन होंगे अगर हम पैराबोलिक मिरर यूज कर लेते हैं, ना उसमें स्फेरिकल एबर्शन होंगे. नेक्स्ट एडवांटेज कि बड़े साइज के जो लेंसेज हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट होता है, दे आर कॉस्टली. नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब हमने एक बड़े लेंस को सपोर्ट करना है, तो जितना लेंस हैवी है उसको सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो भी ज्यादा एरिया में प्रोवाइड करनी पड़ेगी. जितने ज्यादा एरिया में हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लाइट उतनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी. हैवी लेंस को सपोर्ट करने के लिए जो ज्यादा रीजन में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उससे लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी. लेकिन मिरर के केस में पूरा बैक साइड जो है वो अवेलेबल है फॉर द सपोर्ट. बैक साइड पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होनी, पूरे बैक साइड को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जा सकती. सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप.